नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12th आरबीएससी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में चैप्टर जो 9 है इंटीग्रल का, उसकी एक्सरसाइज 9.5 की कुछ क्वेश्चन करूँगा। ये मुझसे डिमांड की गई है हमारे एक होनहार छात्र द्वारा, और क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 और 11 मेरे से पूछे गए हैं। अगर जल्दी हो गए तो ये चारों क्वेश्चन इस वीडियो हो जाएंगे, अन्यथा दो वीडियो में होंगे। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इंटीग्रल ऑफ 1/9x² - 12x + 8। देखिए, ऐसे जितने भी इंटीग्रल होते हैं उसमें सबसे पहले आपको x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ x² × 9 से हो रहा है, तो 9 कॉमन ले लो। तो ये 1/9 जब कॉमन लेंगे तो x² - 12x/9 + 8/9 हो जाएगा। अब 1/9 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है 1/, ये 3 × 12 और 3 × 9, तो x² - 4x/3 + 8/9। अब आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि कभी किसी त्रिपदी व्यंजक को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाए, तो देखिएगा इसको ऐसे लिखेंगे अपन। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का स्क्वायर है, लिख दिया एक्स। आगे क्या है? माइनस, लिख दिया माइनस। अब एक्स का गुणांक है 4/3, यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है 4/3, उसको 2 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा? 2/3। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, कल्पना करो क्या आएगा। a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b², तो x² आएगा, बिल्कुल आएगा, ये रहा x² -2ab, तो 2 × x × 2/3, यानी -2 × 4x/3 आएगा, ये आ गया। पर साथ में होता ना a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² भी आएगा, यानी कि +2/3 का स्क्वायर, यानी कि +4/9 भी आएगा, जो कि यहाँ नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ खोलने से +4/9 आएगा, उसको हटाने के लिए मैंने -4/9 कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का मैटर और ये यहाँ से यहाँ तक का मैटर, ये आपस में बराबर है, यानी इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। आप इसको अगर हल करेंगे ना तो वही आएगा, x² -2ab (2x × 2/3) + 2/3 का होल स्क्वायर, जो कि 4/9 होता, प्लस का, तो मैंने माइनस का 4/9 कर दिया। ये प्लस का 8/9 पहले से था, यहाँ लिख दिया मैंने। अब 1/9 x - 2/3 का होल स्क्वायर, और ये 8/9 में से गया 4/9, तो प्लस के बचेंगे 4/9, 8 - 4 = 4/9, और 4/9 होता है 2/3 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इस x - 2/3 को t मान सकते हैं, तो dx = dt हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो अब क्या होगा, ये 1/x² - x ने हमने इसको t मान लिया है, तो ये t² + 2/3 का होल स्क्वायर, और dx dt हो गया। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² विद रेस्पेक्ट टू एक्स। याद कीजिए, 1/a tan inverse x / a + c होता है ना, यहाँ पे लगा देंगे बस, तो 1/9 तो ये है ही है। अब देखिए 1/a का मतलब 1/a का मतलब 2/3, tan inverse x / a, यहाँ x की जगह t है, तो t / 2/3,
प्लस सी बराबर एक बटा नौ इंटू ये तीन ऊपर चला जाएगा तो तीन बटा दो इंटू टेन इनवर्स ये दो ऊपर चला जाएगा दो टी सॉरी ये ऊपर तीन जाएगा तो तीन टी बटा दो प्लस सी तो ये तीन दिया नौ तो हमारा आंसर आ गया एक बटा तीन दोनी छः टेन इनवर्स। अब आपने टी किसको माना था टी माना था एक्स माइनस टू बाई थ्री को तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू बाई थ्री टी एक्स माइनस टू बाई थ्री ये टी की जगह आ गया अपॉन टू प्लस सी। तो आप ये देखेंगे इज इक्वल टू वन बाय सिक्स टेन इनवर्स। अब यहाँ आप ऊपर लेंगे तीन एलसीएम क्या लेंगे यहाँ पे तीन एलसीएम लेंगे तो उस तीन से ये तीन कट जाएगा और ऊपर बजेगा अंश के अंदर यानी कि न्यूमरेटर में तीन एक्स माइनस दो तो तीन एक्स माइनस दो आ जाएगा यहाँ पे तीन एक्स माइनस दो बटा दो ही है ही है बटा दो प्लस सी और ये इसका उत्तर हो गया इट इज़ द आंसर। आसान क्वेश्चन है ना केवल आपको थोड़ा सा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ये आपके देखिएगा वापस चेक कर लेते एक बार ये तीन रुपये चला गया तीन टी बटा दो टी का मान रख दिया एक्स माइनस टू बाई थ्री तो थ्री इंटू ये तो थ्री एक्स माइनस टू बाई टू हो जाएगा ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। अब क्वेश्चन नंबर पाँच कर लेते हैं। क्वेश्चन पाँच जो आपका है वो है इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर चार एक्स की पावर चार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये एक विशेष प्रकार का सवाल है जिसमें आप अगर ध्यान देंगे तो ये x है और ये x की पावर चार है। अगर हम x स्क्वायर को t मान लें किसको x स्क्वायर को तो क्या होगा ज़रा देखिएगा क्योंकि x यहाँ क्या करेंगे इसको लिख देंगे x dx एक्स अपॉन x की पावर चार को लिखूँगा मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया। अब अगर मैं दोनों और करूँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टी टू एक्स और एक्स का होता है डी एक्स बाई डी टी और टी का विद रेस्पेक्ट टी कितना होता है वन। अब अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट कर दूँ तो आएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी इसका मतलब एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटा दो डी टी बटा दो तो ये एक्स डी एक्स है ये हो जाएगा डी टी बटा दो और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और डी एक्स जो है वो तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे एक्स डी एक्स है ना ये एक्स डी एक्स इसको लिख दिया था डी टी बटा दो। अब देखिएगा सवाल बिल्कुल आसान हो गया ये वन बाई टू तो बाहर निकल गया वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डी टी। अब इसको फिर बनाएंगे होल स्क्वायर टी स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए वो एक है ये किसका स्क्वायर है टी का लिख दिया टी आगे किया प्लस लिख दिया प्लस टी का गुणांक किससे हो रहा वन से टी मतलब वन टी वन का आधा करो तो वन बाय टू आ जाएगा इसका होल स्क्वायर कर दो ये सेट मेथड है। अब आप इसका वापस स्क्वायर करो वो आना चाहिए देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर ही आ गया प्लस टू ए बी
तो टू इंटू टी इंटू वन बाई टू, दो दो कट गया तो टी प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर भी आएगा जो यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ टी स्क्वायर प्लस टी है और यहाँ टी स्क्वायर प्लस टू टी इंटू वन बाई टू यानी कि टी प्लस वन बाई टू का स्क्वायर भी आएगा। उसको कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस वन बाई फोर कर दिया क्योंकि वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर होता है। ये चीज़ देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यानी ये जो टी स्क्वायर प्लस टी है ना, ये इसके बराबर है। आप खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, टू ए बी, टू टी इंटू वन बाई टू, टू कट जाएगा टी, प्लस वन बाई टू का स्क्वायर यानी कि वन बाई फोर जो यहाँ नहीं है, तो उसको काटने के लिए मैंने माइनस वन बाई फोर कर दिया, लेकिन वो वन तो है ना, तो लिखना पड़ेगा आपको वन बाई टू वन अपॉन। अब देखिएगा ये टी प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, अब ये वन में से वन बाई फोर घटेगा, देखिए वन में से वन बाई फोर घटेगा तो बचेगा थ्री बाई फोर, और थ्री बाई फोर को मैं कह सकता हूँ रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर ये टी प्लस वन बाई टू आ गया। अब एक काम करते हैं कि टी प्लस वन बाई टू को मैं कुछ और मान लेता हूँ, चलो मान लीजिए मैंने इसको यू मान लिया। अब डी टी क्या हो जाएगा, डी यू, क्योंकि वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है। अब ये हो गया वन बाई टू वन अपॉन टी प्लस वन बाई टू, मैंने यू मान रखा था यू स्क्वायर, और ये रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और डी टी तो डी यू ही है। अब आप देखें अगर तो बराबर वन बाई टू, अब ये फिर वही फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा, ये देखिएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स की जगह तो यहाँ यू है और ए की जगह रूट थ्री बाई टू, तो क्या आता है वन अपॉन ए यानी कि वन अपॉन रूट थ्री बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ एक्स नहीं यू है अपॉन, इसे यू अपॉन और ए है रूट थ्री बाई टू प्लस सी, तो वन बाई टू ये दो पर चला जाएगा, दो बटा रूट तीन हो जाएगा इंटू टेन इनवर्स, ये दो पर चला जाएगा तो दो यू बटा रूट तीन हो जाएगा प्लस सी, ये दो दो कट जाएगा तो वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स। अब देखिए आपने यू किसको माना था, देखिए यहाँ पे यू माना था आपने टी प्लस वन बाई टू को, तो यू की जगह लिखेंगे टू इंटू टी प्लस वन बाई टू अपॉन रूट थ्री प्लस सी, तो वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स। जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये दो एलसीएम आएगा जिससे ये दो कट जाएगा, तो ये टू टी प्लस वन आ जाएगा, टू टी प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी। अब हमने टी किसको माना था, देखिए ये रहा सुराद, यहाँ पे हमने टी माना था एक्स स्क्वायर को, तो हम क्या करेंगे वन बाई रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने करना था वो था क्वेश्चन नंबर, इसमें तीन हो गया, पांच हो गया, इसके बाद सातवां, सातवां देखिए क्या है क्वेश्चन सात, ये है एक्स माइनस तीन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस चार, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस चार विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार का है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब डिनोमिनेटर का यानी कि हर का जब करेंगे अवकलन, तो उसमें कुछ ऐसा रूप आता है। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर के अवकलन में क्या आएगा, 2x आएगा, 2x के अवकलन में 2 आएगा, तो कुछ ऐसा ही रूप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे -3 है। तो इसका एक नियम है, वो नियम समझ लीजिए आप। पहले लेट माना कि एक्स माइनस तीन अंश बराबर हम क्या करेंगे कि ए इंटू इसका अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और 2x का क्या आएगा 2 प्लस बी। अब ए और बी अचर है, कांस्टेंट है, इसको ज्ञात करना पड़े। यानी कि हमने x माइनस तीन जो है न्यूमरेटर, इसको एक कांस्टेंट a इंटू डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस ए कांस्टेंट b के रूप में लिखा है, और a भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करें, देखिए बड़ा आसान है। x माइनस तीन बराबर खोलो ब्रैकेट, तो आएगा 2ax प्लस 2a प्लस बी। अब ज़रा तुलना कर लो, देखिए x का गुणांक क्या है 2a, और वह x का गुणांक क्या है 1, तो बताओ 2a की वैल्यू 1 हुई कि नहीं हुई। एंड कांस्टेंट क्या है वहाँ पे 2a प्लस बी अचर, और यहाँ कांस्टेंट क्या है -3, ये -3 हो गया। इससे बताओ a की वैल्यू 1/2 आई कि नहीं आई, आ गई। एंड ये 1/2 यहाँ रख देंगे, तो 2 × 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू -3, ये दो दो कट जाएगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3, यानी कि बी इज इक्वल टू -3 -1 यानी कि -4 हो गया। अब ये आपके जो ये जो मैंने लाइन खींच के काम किया ना, ये रफ वर्क नहीं, ध्यान रखना ये फेयर वर्क है, लेकिन हमने इसको बॉक्स में किया साइड में, ताकि ये परीक्षक की निगाह में रहेगा आपने किया क्या है। इट इज़ नॉट रफ वर्क, इट इज़ फेयर वर्क बट सिस्टमेटिक। अब देखिए यहाँ पे आपने x माइनस तीन को क्या माना था, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस बी, तो a कितना निकला 1/2, ये रहा 1/2 इंटू 2x प्लस 2, ये 2x प्लस 2 प्लस बी -4 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 dx। अच्छा एक काम और करो, इसको बोले को i मान लो, लेट i इज इक्वल टू, इट मीन्स i इज इक्वल टू, इट मीन्स i इज इक्वल टू। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस वही आएगा, चेक कर लो। आप अगर 2x प्लस 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो x प्लस